दोस्तों, मेरा नाम वकार कायम खानी। उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत से होंगे। अक्सर ये सुना गया है कि किसी भी लड़की का रिश्ता लेके जाते हैं तो उसके पांव देख लें, उनके घर का रसोई घर देखें और वॉशरूम भी देख लेते हैं लोग। बूढ़ी औरतें ये कहती हैं, लेकिन मैं कहता हूँ किसी भी एम्ब्रॉयडरी फैक्ट्री वाले के मामला देखने कैसा है, सफाई सुथराई में, अपनी मैनेजमेंट में कैसा है, तो उसका थ्रेड स्टोर देख लें। आप कहीं भी जाते हैं, माल बनवाने जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं या उस फैक्ट्री ओनर से मिलने जाते हैं, उसका थ्रेड स्टोर लाजमी देखें। अगर तो थ्रेड स्टोर मेंटेन है तो समझ ले बहुत अच्छी बात है। और यहाँ बात करने वाला हूँ धागे को सेफ किस तरह करें। बाज होता देखा गया बस पड़े हैं तो पड़े हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको थ्रेड की जो वैल्यू है किस तरह बरकरार रखनी है। क्योंकि देखें, धागा आपका है वो मिट्टी में पड़ा हुआ है, बेकार हो रहा है, खुली आबोहवा में पड़ा है, बेकार हो रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ कराची में आबोहवा नमी वाली है, खुली हवा में पड़ा रहेगा तब भी खराब रहेगा, डस्टिंग पड़ेगी खराब रहेगा, और फिर वो धागे खराब भी हो रहे होते हैं, मिक्स हो रहे होते हैं, खराब हो रहे होते हैं, उनमें खुल जाता है, उलझ जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपने करना क्या है, सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपने दूध की जो 10 15 किलो 20 किलो वाली थैलियाँ मंगवा लेनी है, किलो के हिसाब से मंगवा के आपने रखनी है और थ्रेड इंचार्ज के हवाले कर देनी है कि जो भी धागा आएगा वो धागे के डब्बों में ना रखें। लूज कोन जो है वो थैली में डाल के ऊपर आपने उसको गिठान लगा लें या रबड़ बैंड लगा दें, फिर उनको रेक के अंदर सेट करें जिस तरह आपको नजर आ रहा है। जिस तरह आप रेक में सेट होते हुए चीजें नजर आ रही हैं, अगर उस तरह आपने धागा मेंटेन कर लिया, आपका धागा डस्टिंग से बच गया, आपका धागा केमिकल जो उसमें ट्रीटमेंट हुआ हुआ है वो खराब होने से बच गया, जिसकी वजह से ब्रेकेज नहीं होगा, आपका धागा नमी से बच गया, आपका धागा उलझने से बच गया, आपका धागा मिक्स होने से बच गया। ये सिंपल सा एक फॉर्मूला है, आप उसको आजमा लें, आपके धागे सालों बरकरार रहेंगे, उसकी क्वालिटी बरकरार रहेगी। अगर आपने ये नहीं किया हुआ तो आज ही कीजिए, इंशाल्लाह आपको फायदा नजर आएगा। चलता हूँ दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।